जितना भी पदाधिकारी है, जितना भी सांसद है, जितना भी विधायक है, कि सारे लोग के बच्चा को जो है कि यहाँ सरकारी विद्यालय में नाम लिखाया जाए, तभी सरकारी विद्यालय का स्थिति सुधर सकता है। अगर सरकारी विद्यालय का स्थिति सुधारना है तो तमाम पदाधिकारी और तमाम विधायक एमपी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में। सर मेरा वही का नाम है कि हमें हर एक जगह से लॉलीपॉप क्यों मिल रहा है? हमें केंद्र सरकार भी लॉलीपॉप दे रहा है, राज्य सरकार भी लॉलीपॉप दे रही है, हमारे विधायक भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, यही हमारा का नाम है सर। ठीक है, मोदी जी ने कहा उस पर वो काम नहीं हुआ, नहीं मिला रोजगार उनको, तो आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तो सर आप अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखते इस बात को सर आप? ठीक है, मैं मानता हूं सर उन्होंने कहा था, उनकी बातें हवा हवाई है, ऐसे भी लोग होते हैं उनकी बातें हवा हवाई होती है, तो सर ये हवा हवाई जो बातें हैं ये केंद्र से लेकर लेकर राज्य से लेकर विधानसभा तक बातें क्यों आती है? 2019 का विधानसभा चुनाव था, पालीगंज में काफी गहमागहमी थी कि कौन किस पार्टी से उतरेगा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, महागठबंधन से कौन होगा, आरजेडी से कौन होगा, माले से कौन होगा, या फिर हमारे एनडीए गठबंधन से कौन होगा, ये किसी को आइडिया नहीं था। काफी हो हल्ला होने के बाद जो है एक नया चेहरा उभर के आया महागठबंधन की तरफ से, यानी आरजेडी और माले की तरफ से, जबकि उस समय जो है नीतीश कुमार उस पार्टी में नहीं थे, महागठबंधन के हिस्सा नहीं थे वो, तो एक नया नाम खिलकर आया संदीप सौरभ। मैंने भी सोचा यार कौन संदीप सौरभ है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं? कहीं ने बोला कि भाई ये जो है लैंडिंग किए हैं, बाहर से लैंडिंग किए हैं, बाहर से हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, कहीं ने कहीं से इंपोर्ट किया गया है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जो है पता चला कि ये मनेर के हैं, मनेर के किसी गांव से ताल्लुकात रखते हैं, और ये पालीगंज से इनको जो है माले की टिकट पे पालीगंज से टिकट दिया गया। फिर बीच में हल्ला हुआ कि ये गरीबों के विधायक हैं, बनेंगे, जमीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। काफ़ी होने के बाद जो है ये इनको टिकट दिया गया और ये जीते भी, अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। उस समय इन्होंने लोजपा के उषा विद्यार्थी और जेडीयू के इन्होंने बच्चा बाबू को मात दिया और अच्छे खासे मार्जिन से इन्होंने जीती और ये इन्होंने विजय प्राप्त किया। उस समय कहीं ना कहीं युवाओं में, खासकर सभी लोगों में ये उत्साह था कि ये नया लड़का है, जेएनयू का लड़का है, कहीं ना कहीं ये समाज के लिए कुछ करेगा, पालीगंज का काया पलट करेगा, ये कहीं ना कुछ करेगा। पर कहीं ना कहीं आज 4 साल होने वाले हैं, कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि नहीं ये हमें ठगा गया है, जैसे पहले के विधायक थे ये अंतिम फाइनली ये वैसे ही विधायक निकले जैसे सारे विधायक पहले वाले थे। ये इन्होंने नया नया कुछ काम किया भी, दौड़ भी किया समाज में और लगा कि कुछ करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आइए आज हमारे साथ एक मेहमान आए हैं जो अपने संदीप सौरभ जी के काफ़ी करीबी हैं और साथी माने जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये लेफ्ट के ये कार्यकर्ता भी हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लोगों के सेवा भाव से ये लगे भी रहते हैं और ये एक बार मुखिया में खड़े भी हो चुके हैं। ये तो आइए मिलते हैं, पहले इनका परिचय हम इनसे ही जानते हैं, ये अपना परिचय देंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ और भाकपा माले युवा संगठन इंकलाबी नौजवान सभा के हम राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं जी। तो सर ये आप पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? ये पार्टी से हम बहुत पहले से जुड़े हैं, जब से मेरा होश हुआ तब से हम पार्टी के साथी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये बात सही है कि कहीं ना कहीं आप विधायक जी के थोड़ा करीबी हैं, आप विधायक जी को कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा या हमारे समाज से ज्यादा जानते हैं, कहीं ना कहीं उनसे करीबी से जुड़े हुए हैं? हम विधायक से जुड़े नहीं हैं, हम पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के तहत विधायक जी यहाँ चुनाव लड़े, विधायक जी चुनाव जीते, हम पार्टी के साथ हैं और विधायक जी हमारे पार्टी के हैं इसलिए विधायक जी के भी साथ हैं। तो ये हमारे साथ राजेश जी हैं, ये कहीं ना कहीं भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं और इनका कहना है कि हम किसी व्यक्तिगत इंसान से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि वो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनसे जुड़े और कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, संदीप सौरभ जी से जुड़े हुए हैं। तो आइए कुछ इनसे हम कुछ तीखे कुछ मीठे सवाल करते हैं और सीधी बात करते हैं, कोई बकवास नहीं करते हैं, कुछ बातें तीखी होगी कुछ बातें मीठी होगी। तो आइए राजेश जी से बातें करते हैं। राजेश जी पहली बात यह कि जब विधायक जी जीते थे तो उन्होंने नहर की बात की थी कि नहर का जो है जो समस्या है वो खत्म किया जाएगा, आज तक हुआ है? कहीं ना कहीं पालीगंज प्रखंड में कुछ नहरों का जो है कायापलट हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ नहरों का जो उड़ान हुआ है और कुछ काम जो है हुआ भी है। नहर नंबर जो 9 है उसका काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कहीं तक उसका शुरुआत भी नहीं हुआ है, किसान परेशान है, एक तो वैसे ही बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से अंतिम छोर तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये मान लें कि इस नहर पे ग्रहण है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ मुख्यमंत्री भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं,
इसका कुछ कोई समाधान नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। इस नहर के मामले में हम बता रहे हैं आपको कि निचले छोर से लेकर के जहां लास्ट छोर है वहां तक विधायक जी, सीओ, एसी और इंजीनियर इस नहर पर तीन तीन गाड़ी रन किया था। और नहर का क्या वस्तुस्थिति है पूरा जानकारी इसको दिया गया और नहर का उड़ाही काम भी होगा। इसका टेंडर थोड़ा लेट से हुआ, तकनीकी कारण से इस बार नहीं हो पाया, लेकिन हम गारंटी करते हैं कि इस नहर का लाभ किसानों तक अगले सीजन में पहुंचेगा। यानी किसान भाई इंतजार करें, इनका कहना है कि अगले सीजन में यानी अगले साल जो है नहर का जो है उड़ान जो होगा वो पक्का होगा और फाइनली होगा, ऐसा इनका कहना है। सर पालीगंज के कई पंचायतों में देखने को मिला है कि आपने देखा होगा कि बारिश जो है हुआ नहीं, या हुआ कहीं तो लेट सवेर हुआ, कहीं ना कहीं पीने के पानी के साथ साथ हमारे मवेशियों के लिए भी पानी की किल्लत हो गई थी और लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। एक एक हाथी कल पे 100-100 लोग लाइन लगा कर खड़े थे और वो भी पानी उनको नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में हमारे जो है एक भूतपूर्व जो है हमारे जो विधायक प्रत्याशी थे सुनील यादव जो महबलीपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जनता के बीच में काफी सेवा किया सर, जिस भी भाव से उन्होंने किया हो, लेकिन कई टैंक के टैंक पानी उन्होंने भेजे और लोगों को पानी पहुंचाया पीने के लिए और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली सर। उस समय हमारे माननीय विधायक जो सिटिंग विधायक है जिनके पास काफी सारे पावर होती है वो कहां थे, किसी को नजर नहीं आया सर, वो क्या कर रहे थे, क्या लोग भी उनको आना नहीं चाहिए था? अरे पानी की समस्या तो दूर की चीज है, लोगों से मिलना तो चाहिए था, सहानुभूति तो लेनी चाहिए थी, वो कहां थे सर? और ऐसे में सुनील यादव जो हेल्प की है उनको, उस पर आपका क्या राय है सर? जब पानी की समस्या था उसमें विधायक जी क्षेत्र में ही थे और कहीं कहीं कई जगहों पर उन्होंने चापाकल भी करवाए। विधायक जी का फंड से तो कोई चापाकल आता नहीं, अनुशंसा करने पर नहीं आता, तो उनके फंड से चापाकल करता है, तो कई जगहों पर उन्होंने चापाकल करवाए थे। और वैसा नहीं कि जरखा में अगर दो चापाकल गड़ जाए तो इससे पूरे लोग की समस्या दूर हो जाए। पानी के समस्या को से दूर करने के लिए, पानी के समस्या को ठीक करने के लिए ऑलरेडी नल जल योजना चालू था सर। मुख्यमंत्री की नल जल योजना जो महत्वाकांक्षी योजना थी वो भी फेल हो गई थी। वो फेल नहीं हुई थी, इसको जान बूझ करके हम समझते कि इस पर स्थानीय मुखिया का नियंत्रण होना चाहिए था और नल जल योजना को ही व्यवस्थित करना चाहिए था, इसी को सकारात्मक दिशा में लेकर जाना चाहिए था। लेकिन हमारे पंचायत के मुखिया जो है वो कान में तेल डाल के सूत गए, जबकि हम चाहते तो संभव कर सकते थे कहीं अगर नल जल में कोई बीमारी, जब उस दौर में पैसा भी रिपेयर के लिए आया था, 48,000 रुपया भी सभी वार्ड सदस्य थे। तो क्या विधायक जी ने मुखिया पर नकेल कसा, मुखिया संघ पर नकेल कसा? सारे मुखिया कहने के उनके अंडर में आते हैं ना, तो जो मुखिया जो है विधायक की बात नहीं सुनेंगे वो हमारी बात क्या सुनेंगे? वो ये मुखिया का अपना, जिस तरह से विधायक जी जनप्रतिनिधि है उसी तरह से मुखिया भी जनप्रतिनिधि है और हम समझते हैं कि मुखिया का ये स्वतः जिम्मेदारी बनता है, उसके लिए विधायक और एमपी ना कहे कि आप क्या कर रहे हैं, पानी की क्या कर रहे हैं, ये हमारा स्वतः, जिस तरह से सुनील यादव के दिमाग में आया कि नहीं भाई पानी की समस्या है हम टैंकर भेज रहे हैं, उस तरह से स्वतः मुखिया जी को चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है और हम इसको ठीक करवाएं, जबकि पैसा आया हुआ था रिपेयर के, पैसा आज भी पैसा पड़ा हुआ है, आज तक रिपेयर नहीं हुआ नल जल। यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी जो है मुखिया पर फेंक कर हटना चाहते हैं आप? हम फेंक करके हटना नहीं चाहते हैं, हम करके विधायक जी कहे कहीं चापाकल दे दिए, लेकिन घर का जो हर घर का नल जल का जो व्यवस्था था सबके घर में पानी जा रहा था, हम करेंगे अगर 5 वो चापाकल चरखा में दे दे तो क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा चरखा का? सर हमें याद है हमने आपसे काफी साल पहले एक बात किया था, तो उस समय हमारे जो विधायक थे वो बच्चा बाबू थे और उससे पहले उषा विद्यार्थी जी थी, तो आपने एक बात कहा था कि सारे मुखिया से इनकी मिली भगत होती है और कहीं ये मुखिया से भी जो ये कमीशन लेते हैं और जिसके वजह से मुखिया काम नहीं करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही काम दोबारा हो रहा हो, मुखिया से मिली भगत चल रही हो? ऐसा बात नहीं है, अगर ऐसा है आप इसको साबित कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि आपने पिछली बार बोला था, आपने क्लेम किया था, ब्लेम किया था आपने कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो विधायक जो है उसमें जो बच्चा बाबू थे कहीं ना कहीं वो मुखिया से लोग से मिले हुए हैं और इसलिए मुखिया का जो सारा जो आपको जो व्यवस्था है जो फंड है वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि विधायक जो है उस पर कमीशन बांधे होते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं विकास कार्य में रोड़ा आता है। हमको लगा कि इस तरह का तो चर्चा हम नहीं किए, शायद हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विधायक जी उनसे कमीशन ले रहे हैं और मुखिया को सलाह दे रहे हैं कि आप गलत कीजिए, ऐसा बात नहीं है। मुखिया लगातार मुखिया से संपर्क में, वहाँ के पदाधिकारी से, खास करके ब्लॉक का जो विकास क्षेत्र का विकास करने का जो बात आता है इसके लिए ऑलरेडी वीडियो है, तो लगातार वीडियो पर इनका प्रेशर आता है कि क्षेत्र में समस्या जो है उसको ठीक किया जाए। सर कहीं ना कहीं सर आप एक सच्चे भारतीय हैं और कहीं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो एक पार्टी से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं हमारे जो है विधानसभा में जो काम सुनील यादव जी ने किया है, जो गरीबों तक पानी पहुंचाने का काम किया है, क्या उसको आप तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि सुनील यादव पानी दे करके सिंपैथी बटोर रहे हैं,
वही गरीब के इंदिरावास बनता है तो उनको 4000 रुपये टेबल वाला देने काम करते हैं, ये कौन सी इनपैथी है? आप पानी पर, पानी तो यहाँ टैंकर आया था, हम लोग खुद नहर पर पानी पंप भरे, कृष्णनंदन हमारे ही लीडर हैं, उनके समरसेबुल से पानी भर करके हम लोग भेजे हैं। तो हम कह रहे हैं कि पानी दे दिए, चलिए बहुत अच्छा है, हम इसके लिए धन्यवाद उनको देते हैं, लेकिन वही गरीब के अगर बाला का जरूरत पड़ जाए तो 4000 रुपये टेलर बाला देते हैं, ये कौन सा सिंपैथी है? उन्होंने कहाँ लड़े, जब गरीब की सेवा करना चाहते तो उन्होंने कहाँ लड़े कि भाई 4000 रुपये नहीं, 1000 रुपये बाला का रेट होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए था ना भाई, हम गरीब के मसीहा हैं, गरीब को चाहते हैं, लोग को जिलाना चाहते हैं, तो किसान की जरूरत है, मजदूर की जरूरत है, जिसको भी बाला की जरूरत है, तो हम 4000 रुपये ना कर करके हम इसको कम से कम रेट में देंगे। राजेश जी, सभी लोग जानते हैं कहने के बालू माफिया है वो, तो बालू माफिया है तो कहीं ना कहीं बालू से कमाएंगे तब तो लोगों की मदद करेंगे सर, वो कहाँ से मदद करेंगे? उनके पास क्या नोटों की कोई पेंट लगा हुआ है क्या उनके पास? हमको लगता है कि नस में से ब्लड तीर करके अब मांस में ब्लड चढ़ाना ये हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। मतलब ये वही बात हो गई कि आप गुटखा का फैक्ट्री लगाकर जो है कैंसर का हॉस्पिटल खोल दिए, ये वही बात हो गई। तो ऐसा क्या लगता है कि सर अगर अगले बार ये विधायकी में इनको अगर सीट मिलता है तो ये यादव बोर्ड जो है इनसे खिसक सकता है? देखिए, संसदीय प्रणाली जो है एक कागज का कोठरी है, हम कितना साफ सुथरा है लेकिन उसमें दाग लगना ही है। अब संदीप सौरभ से कुछ लोग चाहते हैं कि हमको ठेकेदारी मिल जाए तो ये संभव नहीं है, और ज़्यादातर वही लोग हैं जो पर्सनल कमाना चाहते हैं। हमारे गांव में काम हुआ, हम माले कार्य करता है हमारे गांव। सर इतने दिनों से पालीगंज में जो काम हुआ तो कहीं नहीं किसी को तो उन्होंने ठेकेदारी दिया ही होगा, उन्होंने किसी न किसी को तो मिला ही होगा, आपको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, किसी न किसी को तो मिला ही होगा सर, जो करीबी होंगे। आप जाकर के देखिएगा जरखाना बोर्ड लगा हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम करवाया जा रहा है, किसी को व्यक्तिगत ठेकेदारी नहीं मिल रहा है, एजेंसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जरखा समुदाय थे आंगनबाड़ी के बगल में बोर्ड लगा हुआ है, आप जाकर देखिएगा, कार्य एजेंसी को उस पर नाम दिया हुआ है, किसी का व्यक्तिगत कोई ठेकेदारी नहीं है। सर एक साल होने वाले हैं, पहले विधायक जी का कहना था कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना उतना फंड हमें मिल पा रहा है, ना उतना हम खुल के कुछ कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बने हुए एक साल होने वाले हैं, तो अब सर विधायक जी के पास क्या बहाना है कहीं ना कहीं सर? और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि वो तेजस्वी यादव जी का जो था सर पहले कलम से 10 लाख रोजगार देने का वादा, उसका क्या हुआ? क्या विधायक जी इस बात को विधानसभा में उठाएंगे? पालीगंज के युवाओं को नौकरी मिलेगी सर, जो पहली कलम से 10 लाख जो नौकरी की बात हुई थी, रोजगार की बात हुई थी, क्या इस बात को जो विधायक जी हैं, चूंकि उनकी अपनी सरकार है सर, किसी को किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उनको हक से कहने की जरूरत है कि हमें नौकरी चाहिए, आपने बोला था पहली कलम से, आपको क्या लगता है सर इस बात को विधानसभा में उठाएंगे पहली कलम वाली बात? आप ये जान लीजिए कि रोजगार के सवाल पर अगर सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले हैं तो संदीप सौरभ हैं। आप देखेंगे, आप संघर्ष मत कीजिए सर, आप सरकार में हैं, आप दीजिए, आप संघर्ष मत कीजिए, आप सुन लीजिए, सबसे ज्यादा रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अगर संघर्ष करने वाले हैं तो संदीप सौरभ हैं। और देखिएगा कि अभी जो शिक्षक बहाली था उसमें डोमिसाइल नीति जो लागू किया गया था, या बीपीएससी का जो ऑप्शन आया था कि बीपीएससी करना होगा, तो इन सारी सवालों पर इन्होंने लड़ करके मुख्यमंत्री से बात कर करके और लगभग इन सारी आपदाओं से, सो कहा जाए तो उन लोग के लिए आपदा था कि भाई बीपीएससी करना है, डोमिसाइल नीति जो ला दिया कि पूरे देश का जो है कि डोमिसाइल नीति हटा दिया गया था कि भाई पूरे देश के लोग जो है कि टीचर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इन्होंने इस सब चीज़ का विरोध कर करके और फिर जो पुरानी नियम था उस नियम पर इन्होंने कहा कि बहाली हो, और टीचर का बहाली और कई विभाग में बहाली निकला है, तो धीरे धीरे शुरुआत है, लेकिन वही केंद्र सरकार कहा था कि भाई हमारा सरकार बनेगा तो हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, इस पर कहीं से कोई सवाल नहीं होता है, अगर सवाल आता तो सर मेरा वही का नाम है कि हमें हर एक जगह से लॉलीपॉप क्यों मिल रहा है, हमें केंद्र सरकार भी लॉलीपॉप दे रहा है, राज्य सरकार भी लॉलीपॉप दे रही है, हमारे विधायक भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, यही हमारा का नाम है सर। ठीक है, मोदी जी ने कहा उस पर वो काम नहीं हुआ, नहीं मिला रोजगार उनको, तो आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तो सर आप अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखते इस बात को सर आप? ठीक है, मैं मानता हूं सर उन्होंने कहा था, उनकी बातें हवा हवाई है, ऐसे भी लोग होते हैं उनकी बातें हवा हवाई होती है, तो सर ये हवा हवाई जो बातें हैं ये केंद्र से लेकर लेकर राज्य से लेकर विधानसभा तक बातें क्यों आती है? आप नजर उठाकर देखिए, रोजगार का सृजन शुरू हुआ है कि नहीं, नौकरी का सृजन शुरू हुआ है कि नहीं, टीचर का बहाली निकलने वाला है, और स्वास्थ्य केंद्र में कई जगहों पर बहाली निकला है, शुरुआत है, सिपाही का बहाली निकला। चलिए अब सर अगली बार अगर विधायक जी को टिकट मिलता है तो गरीब गुरबा किसान उनको वोट क्यों दें? गरीब गुरबा किसान
छात्र मजवान इनको वोट क्यों दे, आपका जो सवाल है, हम करें कि गरीब के जो सवाल है, हम मान के चलते हैं कि जितना अगर चाहिए आकांक्षा है कि मेरा काम हो, वैसा तो नहीं हो सकता है। हम समझे जितना फंड विधायक आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मुखिया के आता है, तो जब मुखिया इस पंचायत का काम नहीं कर सकता है तो विधायक से तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन इतना है कि जहाँ हमारा सवाल है, हमारा मजदूरी का सवाल है, मजदूरी आपको पता होगा कि सरकारी रेट 360 रुपया है, जो मजदूरों तक मिलता नहीं है। इसका लड़ाई उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज़ इन्होंने विधानसभा में बुलंद किया, किसान के हर एक मजदूर को 350 मजदूरी मिल रहा है सर। कृषि कार्य में कहाँ मिलता है, कृषि कार्य में नहीं मिलता है, कृषि का सब अलग काम होता है लेकिन मजदूरी अलग चीज होता है। मजदूरी दैनिक मजदूरी 360 रुपया है, वो दैनिक मजदूरी जो है, मजदूरी सर 8 घंटे की ड्यूटी होती है सर, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सही बात है। तो उसका कौन किसान, कौन मजदूर 8 घंटा ड्यूटी नहीं करता है, खेत में तो करता ही है, रोपनी कितना करता है, खेत में 8 घंटा ड्यूटी करता ही है रोपनी, कवरिया तो भी कर ही देता है मिला जुला करके। तो दैनिक मजदूरी जो 360 रुपया है वो मजदूर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका ये आंदोलन कर रहे हैं, इसका आवाज विधानसभा पहुंचा रहे हैं। सर एक बहुत ही हमारे जो दर्शक हैं उनका एक सवाल है कि सर हमारे जो गरीब गुरबे के जो बच्चे हैं वो थाली लेकर में पढ़ने जाते हैं, कहीं कहीं वो एक मुट्ठी चावल के लिए पढ़ने जाते हैं, और जो हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद हैं या मुखिया है, मैं किसी एक पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं इनके सारे बच्चे सर ये CBSE बोर्ड में पढ़ने क्यों जाते हैं, प्राइवेट में पढ़ने क्यों जाते हैं, उनके बच्चे भी सरकारी में क्यों नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था जो सरकारी स्कूल में उसके वजह से अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं या कोई और कारण है सर? इस सवाल पर हमारे पार्टी के सिवान से आते हैं मैरवा के विधायक सत्यदेव राम, विधानसभा में जवाब जोरदार तरीके से उठाए थे कि जितना भी पदाधिकारी है, जितना भी सांसद है, जितना भी विधायक है, कि सारे लोग के बच्चा को जो है कि यहाँ सरकारी विद्यालय में नाम लिखाया जाए तभी सरकारी विद्यालय का स्थिति सुधर सकता है। अगर सरकारी विद्यालय का स्थिति सुधारना है तो तमाम पदाधिकारी और तमाम विधायक MP अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे। तो हमारा ये आज भी मांग है कि जितना भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े जो पदाधिकारी है, ये सारे लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नाम लिखाएं। अब यहीं पर हम लोग BO से सवाल करते हैं तो BO कहती है कि सर, BO भी लेडीज है, BO बोलती है कि सरकार चाहता ही नहीं कि शिक्षा सुधार हो। अरे सरकार चाहता नहीं कि शिक्षा का सुधार हो तो फिर आपको आप क्यों डिपुट किया है, आपको तनख्वाह क्यों दे रहा है सरकार? मास्टर कहता है कि शिक्षा का सुधार सरकार ही नहीं चाहता तो आपको पेमेंट क्यों दे रहा है, आपको 25,000 से लेकर 50,000-75,000 तक पेमेंट क्यों दे रहा है? शिक्षा के सुधार के लिए तो दे रहा है, सुधारना आपका ना काम है, आपको वहाँ जगह दिया गया, आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, आपकी गड़बड़ी है और आप ही करके सरकार शिक्षा सुधारना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा आरोप है सर हमारे जो है माननीय विधायक संदीप सौरभ जी पर कि वो एक मुखिया के प्रचार में जाते हैं सर, ऐसा क्या उनकी मजबूरी है कि वो एक मुखिया के एक पंचायत स्तर पर एक प्रचार में वो शामिल होते हैं, इसमें क्या कहीं कुछ किसी और एंगल से जोड़े या ये उनका जो है दोस्ताना हम रिलेशन जोड़े हैं, पारिवारिक कोई रिश्ता जोड़े हैं? आपका जान या पैसे का मैटर है कोई आपका ये चुनाव प्रचार के लिए, एक मुखिया के चुनाव प्रचार के लिए कितना पैसा दे सकता है उम्मीदवार विधायक को, ये सोचने वाली बात है। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के लिए जा रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ा बेबुनियाद आरोप आपका है, हम इसको खारिज करते हैं। दूसरा बात यह है कि आप जहां निशाना लगा रहे हैं, मेरा पतवाना की बात है तो विजय यादव हमारे पार्टी का मेंबर हैं और पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के मेंबर के हिसाब से उन्होंने विजय यादव पक्ष में वोट मांगा है। यानी कल को आप अगर वार्ड मेंबर में या पंचायत समिति में खड़े होते हैं तो आपके लिए प्रचार करेंगे वो? निश्चित तौर पर हमारा पार्टी कहना है कि बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए, तो हम पंचायत स्तर पर मजबूत कर रहे तो क्या दिक्कत है। हमारा पार्टी का कहना है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए, हर बूथ पर 10 पार्टी मेंबर भर्ती किया जाए और उसको ठीक ठाक किया जाए, तो हम पंचायत में अगर मुखिया जिता रहे हैं तो इसमें क्या गलती है?